नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, अगर आप MBBS की पढ़ाई करना चाहते हो और LN की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आपको पता नहीं है कि किस तरह से हम LN की स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों बने रहिए आज की हमारे इस वीडियो के साथ शुरुआत से लेकर एंड तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम LN की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन घर पर ही। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम अपना ब्राउजर ओपन किए लेते हैं और ब्राउजर पर टाइप करते हैं LN, ठीक है ना, LN टाइप कर सर्च कर देते हैं सिंपली, ठीक है ना। तो जो हमें पहली लिंक अवेलेबल होती है, देखिए आपको दिख रही हुई LN कॉर्नर इंस्टीट्यूट कोटा वेस्ट कोचिंग फॉर IIT GE GMAT, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिख रही होगी LN की, जो यहाँ पर आपको LN की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दिख रही होगी फर्स्ट नंबर पर, तो यहाँ पर हम सिंपली क्लिक किए देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए ऊपर की तरफ आपको एक ब्लैक पट्टी दिखेगी, आपका माउस के कर्सर से थोड़ा बहुत भी नीचे मत कीजिएगा, नहीं तो पट्टी गायब हो जाएगी, ठीक है ना। ऊपर की तरफ आपको जो ब्लैक कलर की जो पट्टी दिख रही है, वहीं पर आपको लेफ्ट साइड में अप्लाई ऑनलाइन का एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, जहां पर मेरा माउस का कर्सर जा रहा है, आप सिंपली वहां पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको डेस्कटॉप पर दिखाई देंगे, पहला ऑप्शंस होगा न्यू सीजन का और सेकंड ऑप्शंस होगा ओल्ड सीजन का, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाहते हैं, इस साल नया फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप पहले नंबर की लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप फर्स्ट नंबर की लिंक पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपसे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं होगा, तो आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको लाइन दिख रही होगी एक लिखी, यहाँ पर लिखा है डोंट हैव अकाउंट क्लिक साइन अप टू रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रीन कलर से आपको साइन अप का बटन दिखेगा, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आईडी पासवर्ड जनरेट करने के लिए छोटा सा यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपनी एक्टिव ईमेल आईडी डाल देनी है, जो भी आपके पास करंट में ईमेल आईडी अवेलेबल हो वो आपको डाल देनी है, और सेकंड नंबर पर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड डाल देना है, जो भी आप पासवर्ड यहाँ पर बनाना चाहते हो वो आप सिंपली यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर दोबारा से वही पासवर्ड डाल दीजिएगा, और यहाँ पर कैंडिडेट नेम और करंट मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, और यहाँ पर कैसे आपको इस वेबसाइट के बारे में पता चला या इस फॉर्म के बारे में पता चला, अगर इंटरनेट के माध्यम से पता चला है तो यहाँ पर इंटरनेट सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जैसे भी आपको पता चला हो तो वहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आपको यहाँ पर पिक्चर आईडी डालनी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 0VSV6C, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली आप डाल दीजिएगा, मैंने यहाँ पर स्मॉल में डाला लेकिन आप कैपिटल में डालिएगा। इसके बाद यहाँ पर जितने भी आपको डिक्लेरेशन बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पर सब पर आपको राइट टिक करते जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर सारे बॉक्सों में आप राइट टिक कर दीजिएगा, और इसके बाद रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, और आपके रजिस्टर्ड जीमेल आईडी, जो भी आपने यहाँ पर जीमेल आईडी डाला हो, उस पर एक मैसेज आएगा जिसमें आपको एक लिंक मिलेगी, ठीक है ना। उस लिंक को आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपको एक OTP डालने को मांगेगा, ठीक है ना। ईमेल आईडी के लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको एक OTP डालने को मांगेगा, तो वो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आ चुका होगा, तो उस 4 अंकों के OTP को आपको उस वेबसाइट में डाल देना है, ठीक है ना। जो भी आपकी ईमेल आईडी के लिंक पर वेबसाइट आई हो उसे ओपन करने के बाद उस OTP को वहां पर आप डाल दीजिएगा और वेरीफाई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपकी जो ईमेल आईडी होती है
वो वेरीफाई हो जाएगी और आपका पासवर्ड वही रहेगा जो भी आपने यहाँ पर क्रिएट किया होगा पासवर्ड, और यूजर आईडी आपकी ईमेल आईडी ही रहेगी, ठीक है ना। इसके बाद सिंपली आप बैक कर लीजिएगा वेबसाइट को, यहीं पर वापस आ जाइएगा और यहाँ से आप दोबारा से लॉगिन कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद सिंपली आप यहाँ से अपनी यूजर आईडी को लॉगिन कर सकते हो। तो मैं आपको यूजर आईडी लॉगिन कर कर दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही जनरेट कर कर रखी थी। इसके बाद मैं लॉगिन किए लेता हूँ सिंपली। जैसे ही आप यूजर आईडी लॉगिन करोगे तो यहाँ पर देखिए चार कॉलम में आपको, चार स्टेप में आपको एक फॉर्म मिलेगा। पहला स्टेप होगा आपका कोर्स डिटेल्स का, ठीक है ना। पहला स्टेप होगा आपका कोर्स डिटेल्स का, सेकंड स्टेप होगा आपका पर्सनल डिटेल्स का, और थर्ड स्टेप होगा आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स का, और फोर्थ ऑप्शन होगा प्रीव्यू फाइनल सबमिट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं शुरुआती कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अगर आपने टेल नेक्स्ट क्वालिफाई किया है तो पहले नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, और अगर आपने किसी भी तरह का टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया है तो सेकंड नंबर का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए आप स्टेप बाय स्टेप आप सारे ऑप्शन सिलेक्ट करते जाइएगा। अगर आप अभी अगर आपने अभी अभी टेंथ की एग्जाम दिए हैं तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते। इसके बाद सिंपली सारे ऑप्शन सिलेक्ट करते जाइएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्म तो आप स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे कॉलम सबमिट करते जाइएगा। इसके बाद देखिए आप जैसे ही कोर्स डिटेल्स कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स का बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस भरने के बाद आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करना होगा, तो आपका सेकंड नंबर का जो कॉलम होता है वो खुल जाएगा पर्सनल डिटेल्स का, जहाँ पर आपको अपने मम्मी पापा और एड्रेस डिटेल्स वगैरह डालनी है यहाँ पर, और क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी यहीं पर डालनी है। इसके बाद आपको इसी तरीके से आप नेक्स्ट करते जाइएगा, सेव बटन पर क्लिक करते जाइएगा, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगी। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दीजिएगा। इसके बाद फाइनल सबमिट को मांगेगा, तो आप अपनी डिटेल्स चेक करने के बाद फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल डिटेल्स सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपसे पेमेंट के लिए मांगेगा, तो आप एटीएम और डेबिट कार्ड के थ्रू आसानी से पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप पेमेंट कर लोगे तो नीचे की तरफ आपको फोटो अपलोड करने का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना, जहाँ पर आप अपना फोटो, स्टूडेंट का फोटो, सिग्नेचर और पेरेंट्स के हस्ताक्षर मतलब कि सिग्नेचर आप अपलोड कर सकते हो। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और आपको दो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला तो होगा जो आपने फॉर्म भरा है वो आप भरा भराया फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शंस भी वहीं पर मिल जाएगा, तो आप सिंपली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। तुरंत ही आपको एडमिट कार्ड, जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शंस मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अभी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट आपको 15 अप्रैल दी गई है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर किसी भी तरह की परेशानी आती है आपको इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों को जवाब दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।